Good morning, dear friends, and greetings in the name of Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ. We are sending this meditation for your blessings after a gap of almost 2 weeks. और हम इस मनन को दोबारा जारी कर रहे हैं आपके आशीष के लिए लगभग 2 हफ्ते के अंतराल के पश्चात. And we are sorry about it, but unavoidable circumstances. और हम इसके लिए आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन हमें ऐसी परिस्थितियां थी जिस कारण वर्ष पिछले 2 हफ्तों से हम इन मननों को नहीं कर पाए. And as we restart this again with prayer that this meditation will be for your encouragement and your comfort. और जैसे हम इस मनन को दोबारा शुरू करते हैं प्रार्थना के साथ, ये हमारी प्रार्थना और विश्वास है कि ये आपके लिए एक प्रोत्साहन और आशीष का कारण ठहरेगा. In the next 3 meditations, और हमारे अगले 3 मननों में, we are going to use the same passage of scripture. हम एक ही वचन से अपने मनन को रखेंगे. This passage is found in the Gospel according to St. Luke chapter 17. और ये वचन है लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में. दिस पैसेज टॉक्स अबाउट द 10 lepers हु केम टू जीसस एंड क्राइंग आउट फॉर हीलिंग. और ये अध्याय या वचन का ये भाग बात करता है 10 कोढ़ियों के विषय में जो यीशु के पास आए और उससे रोकर अपनी चंगाई को मांगा. एंड माय पर्पस इज व्हाट दिस 10 lepers have to display to Jesus that they really sincerely seek his blessing. और मेरा अध्ययन इस विषय पर है या मनन इस विषय पे है कि ये कोढ़ियों ने सच में यीशु से क्या मांगा या वो क्या खोज रहे थे और कैसे उसकी आशीषों को पाया. So let us read this first. और आइए इस वचन के इस भाग को पहले हम पढ़ें. Verses 11 to 19. लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय से के 11वें वचन से लेकर 17वें वचन तक. Yeah. ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समारिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था. किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले. उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर. उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ. और जाते जाते वे शुद्ध हो गए. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह समारी था. इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है. आमीन. आमीन. Now let us look into this passage and see what lessons we can learn. और आइए वचन के इस भाग को हम देखें और देख और सीखें कि कौन सी शिक्षाओं को हम इससे ले सकते हैं. When you think about this passage, और जब आप वचन के इस भाग के विषय में सोचते हैं, and carefully look into this, और इस पे ध्यान पूर्वक देखते हैं, you will find there were 5 things that they needed to display in order to meet their need. तब आप इस बात को पाएंगे कि 5 ऐसी बातें हैं जिनकी जरूर पूरा होना जरूरी था कि उन कोढ़ियों की आवश्यकता पूरी हो जाए. And so I would like to mention these 5 things. और मैं इन 5 बातों को आपके समक्ष रखूंगा. Number 1, पहली बात, in their approaching Jesus, we could see desperation. और पहली बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने यीशु को पुकारा उसमें एक ललकपन, एक भूख, एक बोझ दिखाई देता है. What is desperation? और ये ललक, ये बोझ है क्या? Desperation is when you have a certain need which you have to have it and you cannot rest until you get it. और ये जो बोझ है, ये ललक है, इसका मतलब है कि एक बात की आपको ज़रूरत है, आपको आवश्यकता है, और जब तक वो आपको मिल ना जाए आप पीछे नहीं हटेंगे. एंड डेस्परेशन मीन्स यू वोंट इवन स्लीप अंटिल यू गेट द थिंग्स डन.
और इसका मतलब ये भी है कि आप तब तक सोएंगे नहीं जब तक आप उस बात को पूरा ना होते हुए देखें। These 10 men had leprosy. और इन 10 लोगों को कोढ़ था। And it was the most dreaded or feared disease at that time. और उस समय में ये सबसे खतरनाक और भयानक बीमारी मानी जाती थी। And they met Jesus as he was entering into the city. और वो यीशु से तब उनकी मुलाकात हुई जब यीशु नगर के भीतर आ रहा था। And they had no idea where he was going. और उनके पास उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। He could have been heading for an important meeting. और हो सकता है कि यीशु एक बहुत महत्वपूर्ण सभा के लिए जा रहा हो। Or he could have been exhausted and tired. और वो थका हुआ और शारीरिक रूप से हो सकता है कमजोर हो। Or he could have had no time for interruption. और उसके पास बिल्कुल समय या हो सकता है उसके पास रुकने के लिए बिल्कुल समय ना हो। One thing is basic to having a need met. और एक बात बहुत मूल है उसके लिए कि आपकी जरूरत पूरी हो। A sense of desperation. एक साहसिकता का भावना या एक बोझ की भावना। They did not know the itinerary of Jesus as he was going. और वो यीशु की यात्रा के विषय में नहीं जानते थे जैसे यीशु जा रहा था। It could have been something urgent and important. हो सकता है वो बात जिसके लिए यीशु जा रहा हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। But they were so desperate to be healed. लेकिन उनके अंदर एक भूख एक बोझ था इतना कि वो चंगा होना चाहते हैं। Their desperation was so overwhelming that they didn't care about any other thing. और उनके अंदर इस बीमारी को लेकर जो निराशा था वो इतना बड़ा था कि किसी और दूसरी बात को लेकर उन्होंने चिंता ही नहीं करी। And they started crying out to Jesus. और उन्होंने यीशु को चिल्लाना उसे पुकारना शुरू किया। So that is desperation. और इसका मतलब है इसे कहते हैं वो बोझ वो ललक जो एक के हृदय में है। You know, one thing we need to understand about our Lord Jesus Christ. एक बात हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के विषय में समझनी है। He is not a person who throws his blessings to in a random and among to those who don't care. याद रखिए वो ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपनी आशीषों को ऐसे लोगों को फेंक कर दे दे जो उसकी चिंता नहीं करते या जो उन आशीषों को हल्की रीति से लेते हैं। In order to receive anything from the Lord, और इसके लिए कि वो परमेश्वर से कुछ पाएं, you have to show that kind of desperation, sincerity and a strong desire to have it done. तब आपको यदि परमेश्वर से उस बात को पाना है तो एक बोझ एक ललक एक प्यास एक सच्चाई आपके भीतर होनी चाहिए। That's why he in the book of Hebrews says. और इसीलिए इब्रानियों की पुस्तक कहती है। Anyone who comes to God. कि कोई भी जो परमेश्वर के पास आता है। Must believe that he is. उसे ये विश्वास करना है कि वो है। And he is he is a rewarder of those who seek him earnestly. और वो उन्हें पुरस्कारित करने वाला परमेश्वर है जो उन्हें कायलता के संग हियाफ के संग खोजते हैं। You understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? What is earnestness? और ये भूख ये प्यास ये कायलता है क्या? Earnestness is another feeling similar to desperation. और ये लौ या एक प्यास एक ललक एक दूसरी भावना है ये भूख और प्यास को लेकर। He is not concerned about someone who is a casual seeker. और याद रखिए वो इसकी चिंता नहीं करता परमेश्वर कि कोई एक हल्की रीति से उसको खोजता है। Casually approaching Jesus. और बड़ी हल्की रीति से यीशु के निकट आना चाहता है। With an attitude, if he wants to give, let him give. इस स्वभाव के संग कि अगर परमेश्वर देना चाहता है तो दे। Such people will never receive anything. ऐसे लोग कभी भी किसी आशीष को नहीं पाएंगे। So that is number one. ये पहली बात है। The number two. दूसरी बात। There was humility in them. उनमें एक दीनता था।
They stood at a distance. वो एक दूरी से खड़े, वो दूर से खड़े थे. They acknowledged the fact that the Jesus, the other person, is a clean, and they were really unclean. Therefore, they keep their distance. और उन्होंने इस बात को पहचाना कि यीशु शुद्ध है और वह अशुद्ध है, और इसी कारणवश उन्होंने उस दूरी को बना करके रखा. They did not think well. So what? We can go. We are also people. He is also a man. It was not that attitude. और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि वो भी एक मनुष्य है, हम भी एक मनुष्य, हम उसके निकट जाएंगे और उससे कहेंगे. Now that humility shows that they respected the law. और ये दीनता इस बात को दर्शाती है कि ये दस कौड़ियों व्यवस्था का या जो कानून था पुराने नियम का उसका सम्मान करते थे. The law of the land at that time was that they stand at least 6 feet away from the person. और उस समय उन दिनों का जो कानून था वो ये था कि एक कोड़ी को कम से कम 6 फुट की दूरी पर दूसरे व्यक्ति से, शुद्ध व्यक्ति से खड़ा होना है. And of course, these 10 lepers, they were a good distance away because of the crowd. और खास रीति से ये जो 10 कोड़ी थे, ये भीड़ की वजह से एक अच्छी दूरी पर यीशु से खड़े थे. They showed great respect for the law. और उन्होंने कानून के व्यवस्था के प्रति एक बड़ा सम्मान दिखाया. By remaining on the outskirts of the crowd. कि वो भीड़ से या उस समूह से बाहर रूप से या दूरी बना करके रखे थे. Jesus was bound to take note of their humility. और यीशु उनकी दीनता को देखकर मजबूर हो गया उनकी ओर ध्यान लगाने को. And also their respect for the law. और खास रीति से व्यवस्था के प्रति उनका सम्मान और आदर देखकर. And also their acknowledgement of being unclean. और इस बात को भी पहचानने के लिए, जब उन्होंने इस बात को पहचाना कि वे अशुद्ध हैं. They did not cover up their need. उन्होंने अपनी जरूरत को ढाकने की कोशिश नहीं की. That is important. और ये जरूरी है. You know, many people come to Jesus. और कई सारे लोग यीशु के निकट आते हैं. They are not very wholehearted and they are open. और वो पूर्ण संपूर्ण रीति से नहीं आते और खुली हुई रीति से नहीं आते. They want to hide things. वो बातों को छुपाना चाहते हैं. Because they know that they are not actually qualified to approach Jesus. And demand anything. क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस बात के लिए योग्य नहीं है कि किसी बात की मांग करे यीशु से. They did not want to cover. These lepers did not want to cover up anything. और ये जो कोड़ी थे किसी बात को छुपाना नहीं चाहते थे. And that shows their attitude. और ये बात उनके स्वभाव को दर्शाता है. And what is the thought here? और यहाँ पर एक विचार क्या है? Every man must recognize. हर एक मनुष्य को ये सम्मानना है, पहचानना है. His uncleanness in approaching Jesus. उस अपनी अशुद्धता को जब वो यीशु को निकट आ जाता है. Jesus. यीशु. Was absolutely clean. यीशु संपूर्ण रीति से शुद्ध है. He was sinless. और वो पाप रहित है. He was the only human being ever walked on the planet Earth. Was sinless. और वो सिर्फ एकमात्र ऐसा मानव है जो इस पृथ्वी पर चला जो पाप रहित था. James 4:10. और याकूब की पत्री उसका 4:10. It says, humble yourselves before the Lord. और वो कहता है खुद को परमेश्वर के निकट दीन करो. And he will lift you up. और वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. And again Isaiah 57:15 say. और फिर से यशया नबी की पुस्तक 57:15 में. For this is what the high and lofty one says. और इसलिए ये जो सबसे ऊंचा और महान है ये कहता है. He who lives forever, whose name is holy. वो जो हमेशा के लिए जीता है और जिसका नाम पवित्र है. He says, I live in a holy and high place. मैं एक पवित्र और एक ऊंचे स्थान में वास करता हूं. And also with him who is contrite and lowly in spirit. और एक उसके व्यक्ति के साथ भी जो आत्मा में, दिल में टूटा हुआ, आत्मा में टूटा हुआ और दीन है. For what? किस लिए? To revive the spirit of the lowly. ताकि मैं फिर से उस दीन व्यक्ति की हारी हुई आत्मा को जगाऊं. And to revive the heart
of the contrite. और उन जो टूटे हृदय के लोग हैं उनके हृदयों को फिर से तरोताजा कर. What a mighty God! और कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है ये. He lived in a lofty and very high holy place. वो एक ऊंचे और महान स्थान पर विराजमान है. That is his first palace. और ये उसका पहला. His second palace is. ये उसका पहला मंदिर या पहला महल है और उसका दूसरा महल. The heart of a humble and contrite man. और उसका दूसरा महल है एक ऐसे मनुष्य का हृदय जो टूटा हुआ और दीन है. And lowly in spirit. और जो आत्मा में टूटा हुआ और मजबूर है. Let's remember this thing during this week. और इस हफ्ते में हम इन बातों को याद रखें. Oh, how wonderful our God is. कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है. He will not despise or forsake the lowly and truly humble before him. और वो परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को तिरस्कार नहीं करेगा जो टूटे हुए मन से और टूटी हुई आत्मा से. Want to receive anything from the Lord. और अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं. Remember. याद रखिए. That is the first thing God looks for. ये वो पहली बात है जिसको परमेश्वर खोजता है. O Holy Spirit of God, हे परमेश्वर का पवित्र आत्मा, we commit ourselves to your care. हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं. O God, by nature we are arrogant and proud. हे परमेश्वर, स्वभाव के द्वारा हम कठोर और घमंडी हैं. But we understand from the scriptures. लेकिन हम वचन से समझते हैं. That God does not care or honor such people. कि परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंता नहीं करता और ऐसे लोगों का आदर भी नहीं करता. He looks for humble and lowly. वो तो दीन और टूटे हुए मन के लोगों को खोजता है. May we possess such a spirit. होने दे हम भी एक ऐसी आत्मा को लेकर के. That we may also find favor with the Lord. ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह में पाए जाएं. Jesus name. यीशु के नाम में. That's right, my friends. ये सही है मेरे मित्रों. That this day is a great day. एक दिन महान दिन है. And God wants to be favorable to you. और परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को रखना चाहता है. So have that spirit of humility. और इसलिए वो दीनता की आत्मा को आप रखिए. Lowly in heart. और आत्मा में टूटे हुए. Amen. Amen.